इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। अवैध बस स्टैंड के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, दो लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने अवैध रूप से चल रहे बस स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट यातायात में तैनात ADCC अजय कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ADCP की टीम ने इंदिरा नगर के ब्लॉक में एक घर के अंदर छापा मारा, जहां पर अवैध रूप से संचालित हो रहे बस स्टैंड का भंडाफोड़ हुआ। छापेमारी के दौरान 250 से अधिक पैसेंजर घर के अंदर मिले। गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद एवं आसपास के शहरों के पैसेंजर मिले। पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हो रहे बस अड्डे से दो लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश में टीमें लगा दी गई है। इससे पहले RTO एवं DCP यातायात अजय कुमार के निर्देशन में नॉर्थ जोन की पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे बस स्टैंड पर छापेमारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन कुमार शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज, लखनऊ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।